Hello dear student, today we learn unit number 5, lesson number 2, Dough Shapes. Standard 1st, subject English Bal Bharati. Before start this video, if you visit my channel first time, Homeschool by Route Teacher, so please subscribe the channel and press the bell icon. Video like and share. First, Try this and tell the others. इसे आजमाएं और दूसरों को बताएं. Look at this pictures. इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे दो बाउल्स हैं और दो ग्लास है. यहाँ पे कुछ बीज हैं, कुछ सीड्स यहाँ रखे हुए हैं. चार प्रकार के सीड्स यहाँ रखे हुए हैं. इस बड़े से पिक्चर में देखो, इस बड़े पिक्चर में एक बड़ा बाउल है और उस बाउल में गुना हुआ आटा है. तो हमें इस आटे से अलग अलग शेप्स तैयार करनी है. व्हाट यू नीड, हमें आटा तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की सहायता लगेगी. फ्लोर 1 कप, साल्ट 1 कप, साल्ट मीन्स नमक, ऑयल 4 टीस्पून एंड तेल हमें 4 चम्मच चाहिए, 4 स्पून चाहिए. वाटर, सीड्स यानी बीज, और दाल फॉर डेकोरेशन, और कुछ दाल चाहिए इसे सजाने के लिए. व्हाट डू यू डू, यानी आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यानी इस तरीके से आटा तैयार करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी. पुट द फ्लोर द साल्ट एंड द ऑयल इन अ बाउल, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक प्याले में आटा, नमक और तेल इन सबको एक साथ रखना है. एड 1/2 कप ऑफ वाटर एंड मिक्स वेल विथ अ स्पून. बाउल में क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीजें डालने के बाद उसमें 1/2 कप पानी डालना है और चम्मच से उसे अच्छी तरह से मिलाना है उस आटे को, यानी जो हमने आटा और जो साल्ट डाला हुआ है और ऑयल डाला हुआ है उन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है. Add more water if the dough is dry. Spoon से सभी मिक्सर को मिलाने के बाद अगर आटा ड्राई रहता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए जिससे वह अच्छी तरह से मिल जाएगा. Add more flour if the dough is sticky. अगर आटा चिपचिपा हो जाए तो उसमें और आटा डालना है. चिपचिपा means आटे में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा और आटा डाल के उसे लेवल में लाना है. मिक्स वेल, उस आटे को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है. सुन योर डो विल बी रेडी, इस तरह से थोड़ी ही देर में आपका आटा तैयार हो जाएगा. यू कैन निक द डो, यू कैन प्रेस द डो, आप आटे को गूंथ सकते हो या फिर उस आटे को दबा सकते हो. यू कैन स्क्वीज द डो, यू कैन रोल द डो, यू गिव इट एनी शेप यू लाइक. स्टूडेंट, आप इस आटे को निचोड़ सकते हो या फिर आप आटे को रोल कर सकते हो और इसे अपनी पसंद का आकार भी दे सकते हो. शेप द डो टू मेक एनी शेप ऑफ योर चॉइस. जब आटा गून के तैयार हो जाता है तब उस आटे को आप अपने पसंद का कोई भी आकार दे सकते हो और उसे अपने तरह से तैयार कर सकते हो. डेकोरेट योर डो शेप विथ ओनियन सीड, मस्टर्ड सीड, मसूर दाल एक्सेट्रा. आपने जो आटे का शेप तैयार किया हुआ है उस आटे के शेप को आप प्याज, राई, मसूर दाल इन सब से सजा सकते हो, यानी डेकोरेट कर सकते हो. यू कैन यूज द सेम डो अगेन एंड अगेन, यानी इसी आटे को आप पुनः पुनः इसको यूज कर सकते हो और अलग अलग शेप्स तैयार कर सकते हो. लुक एट दिस पिक्चर्स, इस पिक्चर में देखो अलग अलग तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट तैयार किए हुए हैं. डो के हेल्प से आप बॉल, ब्रिक्स, क्यूब, कोन, रिंग्स,
बिस्किट, सिलेंडर, प्लेट्स एंड बाउल, हट, व्हील, बास्केट, फिश, इतने सारे ऑब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हो। हियर इज वन इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ डो क्ले कैन बी यूज, आप आटे की जगह मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड इंस्ट्रक्शन, यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल्स फॉर डेकोरेट द ऑब्जेक्ट, आप लोग वस्तुओं को सजाने के लिए अलग अलग प्रकार के दालों का यानी सीड्स का उपयोग करें, जिससे आपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट और भी सुंदर और अच्छे दिखेंगे। सेकंड, ड्रॉ ऑब्लिक स्टिक पिक्चर्स ऑफ द शेप्स यू हैव मेड एंड पेस्ट देम इन योर वर्ड फाइल, राइट द नेम्स ऑफ द शेप्स बिलो द पिक्चर। इसका मतलब है आपने आटे की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट तैयार किए हैं उसके चित्र आपको बनाना है और उस चित्र को अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट करना है। आपने जो ऑब्जेक्ट या पिक्चर पेस्ट किए हैं उसके नीचे उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द शेप यू लाइक मोस्ट डेट यू मेड, यानी जो शेप आपको ज़्यादा पसंद है उसे आप तैयार कीजिए। यूज इट इन योर ओन सेंटेंस, यानी कि आपको उस चीज का उपयोग क्या है वह आपको अपने सेंटेंस में लिखना है, अपने मन से लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल, आई लाइक द व्हील आई मेड, मुझे व्हील पसंद है और मैंने उसे तैयार किया है। वी यूज व्हील्स टू रन अ कार, उस व्हील का उपयोग यानी उस व्हील का यूज हम कार को रन करने के लिए करेंगे। इस तरह से आपको आपको जो ऑब्जेक्ट पसंद है वो ऑब्जेक्ट आपको तैयार करना है और उसका यूज किसके लिए होता है वह आपको अपने सेंटेंस में यानी अपने मन से लिखना है। इस तरह से यह लेसन फिनिश होता है। अगर आपको यह लेसन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही आगे की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।